हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और वेलकम ऑन टेक्निशिया। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ और बेसिकली इस प्लेलिस्ट में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं उन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो गाइस। सो दोस्तों, यहां पर मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। अब इस फिगर को समझते हैं। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये रॉड ड्रॉ कर दी है जिसका मास हम लोगों ने कंसीडर किया है m, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मास और जिसकी m इज इक्वल टू हो गया ये मास, और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं l को एज अ लेंथ ऑफ दैट रॉड, ठीक है। इतना हुआ। अब बाइसेक्टर, दैट मीन्स बाय मतलब टू सेक, लाइक सेक्शन, उसको दो भाग में लाइक कंप्लीटली डिवाइड करना, हाफ ऑफ, ठीक है। सो यहां पर हम लोग एक बाइसेक्टर बना रहे हैं जो है ए बी। तो ए बी क्या है हमारा बाइसेक्टर, ठीक है। यह हमारा हो गया बाइसेक्टर। इतना समझा। अब उसके बाद जब ये बाइसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा जो होगा ओ, जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। इतना क्लियर हो। यहां पर ओरिजिन भी हमको पता चल गया। अब बेसिकली हमको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट, देखो यार, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड निकालना है। तो अगर हम, मुझे किसी एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए, एक स्पेसिफिक लेंथ का एरिया पता चल जाए, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरे ऑब्जेक्ट या फिर पूरे लाइक रॉड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। इतना क्लियर। तो अब सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको नॉर्मल फॉर्मूला तो पता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका लाइक नॉर्मल फॉर्मूला किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये ओरिजिन से समवेयर डिस्टेंस पे आपको एक एरिया कंसीडर करना है, एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करना है, जिसको यहां पर हम लोगों ने लाइक मैंने रेड शेड किया है। तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं एज अ डीएक्स, और ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और ये जो स्मॉल एरिया लाइक मैंने एक्स्ट्रा कंसीडर किया है वो है dx, दैट मीन्स स्मॉल, छोटा सा लेंथ मैंने कंसीडर किया है, इसके लिए मैंने इसको नाम दिया है dx, जो dx ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पे। इतना क्लियर। अब समझने वाली बात क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये स्पेसिफिक लाइक जो जगह है, स्पेसिफिक लेंथ जो मैंने कंसीडर किया है उसका मुझे चाहिए मास। क्या चाहिए, मास। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, अज्यूम करो कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो मास है वो है, एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल, यहां से लेके यहां तक जो मास है वो है 20, ठीक है। कितना है 20। अब यहां से लेके यहां तक आपकी लेंथ कितनी है 10, ठीक है। सो एक यूनिट का आपको पता चल गया, दैट मींस कितना आएगा आपको, एक 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 स्पेसिफिक यूनिट लेंथ, दैट मींस अगर यहां से लेके यहां तक 20 मीटर था तो एक मीटर का कितना हो जाएगा, लाइक मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एक मीटर का मास कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब जब 2 हमको पता चल गया, अब मुझे ये 2 क्या है, एक मीटर लेंथ का मास है, ठीक है। तो अब मुझे किसका चाहिए, पूरे का चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, इस टू में इसका जितना भी लेंथ है उसको कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा टू इंटू डीएक्स। यहां पर भी हमें सेम करना है, हमें क्या चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ। अभी मास पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पे टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ, वही किया है मैंने जैसा मैंने ऊपर किया, तो एम बाय एल। अब मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक एरिया का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सो दैट मास ऑफ द एलिमेंट, दैट मीन इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ ये छोटे से एरिया, मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट कितना हो जाएगा, यहां पर मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था किसको, मास को, तो एम बाय एल दैट मीन मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपका एरिया है, तो क्या हो गया एम डी एक्स डिवाइड बाय एल। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है एम बाय एल डी एक्स, ये हो गया मास किसका, ये जो भी रेड पोर्शन है। तो अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये जो एम है, एम ये किसके इक्वल होगा, एम बाय एल डी एक्स के, दैट मीन्स ये क्या है, किसका मास है, ये स्पेसिफिक एरिया का। तो अब हमने मास फाइंड आउट कर लिया है, अब मैं आर कंसीडर करूंगा। अब यहां पर आर क्या है, इस केस में आर क्या है, एक्स। ठीक है, सो आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने मास और मास जो ऑफ द एलिमेंट, दैट मीन इस एलिमेंट का मास हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब इसके अबाउट जो इंटीग्रेशन होगा, लाइक सॉरी इंटीग्रेशन बोलो, एनर्शिया होगा, वो क्या होगा, हमारा डी आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब यहां पर इसको आप रिलेट करो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर्मूले के साथ, तो यहां पर मैंने आई को रिप्रेजेंट किया डी आई से, एम ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एम की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एम बाय एल डी एक्स। ठीक है, अब मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर की जगह यहां पर आर का, आर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एक्स डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस पे ना ये ऐसे घूमेगा, तो यहां पर इस एलिमेंट के लिए रेडियस क्या काम कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस। बेसिकली रेडियस क्या होता है, लास्ट एक्सट्रीम पोजिशन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स ओरिजिन से लेके लास्ट एलिमेंट तक का डिस्टेंस। तो यहां पर ओरिजिन ये है, लास्ट एलिमेंट ये है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एलिमेंट। बट आपको किसका चाहिए, पूरे के पूरे रॉड का चाहिए, आपको पूरे के पूरे रॉड का क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपके पास ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो आप अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो अब हम जस्ट इसको इंटीग्रेट करें, अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के पहले आपको एक चीज समझना है कि यहां पर आपको डेफिनाइट इंटीग्रल, लाइक डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब उसके लिए डेफिनाइट मतलब आपको एक फिक्स्ड प्रपोर्शन चाहिए और फिक्स्ड रेंज चाहिए। तो एक चीज ध्यान दो, यहां पर जो एक्स है वो क्या है, लाइक आपको बाइसेक कर रहा है किस, ये आपने क्या किया था, ए बी जो ड्रॉ किया था वो क्या था, लेंथ को बाइसेक कर रहा था। अब अगर मैं कंसीडर करूं कि ये पूरी क्या थी आपकी लेंथ, ठीक है, सो ये वाला जो एक्स हो जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा लाइक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो मैं अगर इसको प्लस साइड अज्यूम करूं और इसको माइनस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कहां से इस साइड भी रहेगा और इस साइड भी रहेगा, दैट मीन्स एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एक वैल्यू हो गई एल बाई टू, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। ये क्या हो जाएगी, हमारी अपर लिमिट। ठीक है, किसके लिए, हमारे इंटीग्रेशन के लिए अपर लिमिट। ठीक है, सो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा एक्स का, ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई टू, दैट मीन्स ये रेंज कहां से कहां तक मिल गया हमको, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक, ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर वन दू, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो डी आई, अब इंटीग्रेशन को क्या हम लोग दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो यहां पर डी आई
को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, इंटीग्रल का साइन, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, एल बाई टू से पॉजिटिव एल बाई टू तक, एम बाय एल डीएक्स एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी होगा क्या, आपको ये डीएक्स को उस साइड आप ले सकते हो ना, तो इसको आप कैसे और लिख सकते हो, माइनस एल बाय टू, एल बाय टू एम बाय एल एक्स स्क्वायर डीएक्स। इतना क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक चीज समझो, जो भी हमें कांस्टेंट रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो अब एक चीज समझो यार, कि अगर एक रॉड है तो उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा और लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सी बात है ना। वो थोड़ी ना कि उसका मास चेंज हो जाएगा फिर लेंथ चेंज हो जाएगी, तो जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग ले लेंगे बाहर। तो यहां पर मास कांस्टेंट हो गया और एल कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एल बाय, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट किसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर डीएक्स को। अभी सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन का फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू यहां पर क्या है, टू, तो टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू थ्री डिवाइड बाय एन प्लस वन, दैट मीन्स टू प्लस वन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री। और हम लोग अपर लिमिट एल बाय टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एल बाय टू। क्लियर। अभी क्या होगा, हम लोग ये जो कॉन्स्टेंट हो गया उसको फिर से हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये इक्वेट होता रहेगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एम बाय थ्री एल। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू रहती है लिमिट जो रहती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको हम अंदर पुट करते हैं। तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एल बाय टू का क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ एल बाय टू का क्यूब। इतना क्लियर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये क्या हुआ, बेसिकली क्या किया है मैंने, हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। अब बिकॉज ऑफ यहां पर लोअर लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी हमारे पास, माइनस में थी, ठीक है, तो यहां पर माइनस में ही पुट करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको करेंगे लाइक लिमिट्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एम थ्री एल, एल का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है, एल क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाइड बाय टू, फोर मल्टीप्लाइड बाय टू, एट, ठीक है, एट। अब ये माइनस ही रहेगा, तो अंदर माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, क्योंकि थर्ड टाइम है ना, तो अंदर माइनस ही आएगा। सो एल क्यूब एट, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हमें यहां तक वैल्यूज मिल चुके हैं, तो अब एक चीज ध्यान दो कि यहां पर हमारा लाइक जो डिनोमिनेटर है वो है कॉमन, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे। सो एम थ्री एल, अब एच सी वर्मा जो बुक है उसमें आपको ये सारे स्टेप्स नहीं बताए, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि अगर आप उनकी बुक पढ़ रहे हो तो ये सारे स्टेप आपको ऑलरेडी आते रहेंगे, बट तो भी मैं आपको ये सारे स्टेप लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा एट, और ऊपर एल क्यूब प्लस एल क्यूब क्या हो जाएगा, टू एल क्यूब। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये पूरा। अब होगा क्या, ये टू, ये फोर, और ये एक एल से ये एक एल चला जाएगा, तो यहां बचेगा एल स्क्वायर, ठीक है। सो क्या हो गया, एम मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर, ये एम एल स्क्वायर, और फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री, तो ये क्या आया आपका, ट्वेल्व। तो आई इज इक्वल टू क्या आया, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वेल्व। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये फॉर्मूला आपको जेई मेंस और जेई एडवांस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके बोर्ड्स, महाराष्ट्र बोर्ड्स और किसी भी बोर्ड्स में जो भी इक्वेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। बट कभी कभी महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ तो उसमें ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर और किसी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी और कोई और टेक्स्ट बुक, तो फिर
ये आपको डेरिवेशन जानना जरूरी है, और इसके साथ साथ ये फॉर्मूला तो ऑब्वियस किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत इजीली समझ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में है कोई डाउट या फिर है कोई क्वेश्चन तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और मुझे ये भी बताओ यार कि अगर आप एच सी वर्मा बुक पढ़ रहे हैं, दैट मीन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, और आपको अगर कहीं भी किसी भी चैप्टर या किसी भी डाउट किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी टेकी, बी रिलीजियस, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।